हे गाइस, आज हम कंपैरिजन करने वाले बिटवीन माइक्रोमैक्स इन 1B वर्सेस पोको C3 के बीच में। भाई पोको C3 वर्सेस माइक्रोमैक्स इन 1B, तो कौन सा फ़ोन बेस्ट होने वाला है आपके लिए? अगर आप दोनों में से किसी एक फ़ोन को लेना चाह रहे हैं एंड कंफ्यूज है कौन सा फ़ोन ले, तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कट आंसर बताएंगे। तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड माइक्रोमैक्स में कुछ ऐसा आपको फीचर्स मिलता है जो पोको C3 में दूर दूर तक आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो भाई वो भी बताएंगे आपको डिटेल्स में। तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेंगे एंड वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोमैक्स से शुरू करेंगे। माइक्रोमैक्स में आपको सबसे पहले बताएंगे इसका प्राइस। तो माइक्रोमैक्स आपको दो वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाएंगे, 4GB, 64GB, 2GB, 32GB एंड पोको C3 आपको दो वेरिएंट मिल जाएंगे, 4GB, 64GB, 3GB, 32GB। तो प्राइस बताएंगे, 4GB, 64GB का प्राइस है भाई इधर माइक्रोमैक्स का 7,999 रुपीज़, मतलब 8,000 में आपको माइक्रोमैक्स 4GB, 64GB मिल रहा है एंड जो 2GB, 32GB है उसका प्राइस है भाई 7,000 रुपीज़। एंड जो पोको C3 है इसका प्राइस है भाई 4GB, 64GB का प्राइस है 8,999 रुपीज़ एंड जो 3GB, 32GB उसका प्राइस है भाई 7,499 रुपीज़। एंड माइक्रोमैक्स आपको मिलेंगे 26 नवंबर से ये आपको मिलने लगेंगे फ्लिपकार्ट एंड ऑफिशियल माइक्रोमैक्स के ऑफिशियल स्टोर पे आपको ये मिलने लगेंगे एंड पोको C3 आपको आराम से फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। एंड बात करेंगे सबसे पहले माइक्रोमैक्स के डिस्प्ले, तो माइक्रोमैक्स में आपको मिलेंगे 6.52 इंच का एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले, साथ में आपको रियर पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपको पोको C3 में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड पोको C3 की बात करेंगे डिस्प्ले की, तो इधर आपको मिलेंगे 6.53 इंच का एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले, साथ में आपको फिंगरप्रिंट तो नहीं मिलता है, इधर आपको फेस अनलॉक का मतलब फीचर्स इधर प्रोवाइड किया गया है। एंड बात करेंगे भाई माइक्रोमैक्स की, जो इधर आपको कैमरा मिलेंगे, पीछे आपको दो कैमरा मिल जाएंगे, 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेंगे एंड जो फ्रंट कैमरा होने वाला है सेल्फी कैमरा, इधर आपको 8 मेगापिक्सल का एक वी नॉच के साथ इधर आपको एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड पोको C3 में आपको मिलेंगे तीन कैमरा, पीछे आपको तीन कैमरा मिल जाएंगे, 13+2+2 एंड जो फ्रंट का सेल्फी कैमरा मिलेंगे, उधर आपको 5 मेगापिक्सल का एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड सेल्फी कैमरा इधर आपको पोको में 3 मिल रहा है एंड माइक्रोमैक्स में आपको 2 मिल रहा है, तो कोई भी दिक्कत देखने के लिए लिटरली नहीं मिलने वाला, उतना फ़र्क नहीं मिलने वाला, ठीक है, उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब दोनों में से अगर आप कैमरे के लिए लेना चाहते हैं दोनों में से किसी एक फ़ोन को आप पिकअप कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा आप माइक्रोमैक्स को ज़रूर से पिकअप कर लेना, क्यों भाई, तो वो भी आपको बाद में बताएंगे, तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना। तो भाई बात करेंगे इधर हम प्रोसेसर, तो माइक्रोमैक्स इन 1B में आपको मिलेंगे MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर एंड जो पोको C3 है उसमें भी आपको मिलेंगे MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर, दोनों में से सेम टू सेम प्रोसेसर आपको मिलेंगे एंड सेम टू सेम आपको एक्सपीरियंस देने वाला है, जो परफॉर्मेंस आपको सेम टू मिलने वाला है। एंड जितने भी गेम, अगर आप थोड़ा बहुत गेमिंग करना चाह रहे हैं एंड थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग आप करते हैं दिन भर में, तो उसको आराम से ये हैंडल कर पाएंगे ये प्रोसेसर, ठीक है। एंड प्राइस के हिसाब से जो प्रोसेसर इधर लगाया गया बहुत ही बढ़िया है, कोई भी शिकायत देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। एंड बात करेंगे भाई माइक्रोमैक्स, जो बैटरी इधर लगाया गया 5000mAh की एक बिग बैटरी है, साथ में 10W का एक चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड जो पोको C3 है इसमें आपको मिलेंगे 5000mAh की बैटरी एंड 10W का एक नॉर्मल चार्जर, बट माइक्रोमैक्स में आपको एक फीचर्स मिलता है जो आपको पोको C3 में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जो है रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन। रिवर्स चार्जिंग का मतलब है अगर आपके पास मतलब पोको C3 है उससे आप किसी भी दूसरे फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया एक फीचर्स है, आपको जरूर से ये चेकआउट करना चाहिए, ठीक है। एंड बात करेंगे भाई अदर कनेक्टिविटी, तो माइक्रोमैक्स इन 1B में आपको मिलेंगे टाइप सी का पोर्ट एंड 3.5mm जैक और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट अलग से दे रखा है, तो आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 128GB तक। एंड जो स्टॉक जो एंड्रॉयड है वो स्टॉक एंड प्योर एंड्रॉयड है, तो आपको बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस मिलने वाला है, कोई भी बूट लोडर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, आलतू फालतू कोई भी ऐप आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस आपको देने वाला है माइक्रोमैक्स, ठीक है। एंड जितने भी सेंसर्स है सारे के सारे सेंसर्स तो आपको मिलेंगे, ऊपर से आपको जायरो मिल रहा है, जो आपको लिटरली 10,000 के ऊपर के फ़ोन में आपको जायरो मिलता है, बट इधर आपको जस्ट 7,000 के फ़ोन में आपको जायरो मिल रहा है, तो बहुत ही एक लाइक तो बनता है भाई माइक्रोमैक्स के लिए। एंड पोको C3 की बात करेंगे तो इधर भी आपको मिलेंगे 3.5mm फोन जैक, बट इधर आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलेंगे, नॉर्मल 2.0 का
जो पोर्ट होते हैं वही आपको मिलेंगे। एंड MIUI 12 के साथ ये आता है, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेंगे। डेडिकेटेड माइक्रोसिक स्लॉट अलग से दे रखा है, तो आप इसको भी 128GB तक स्पेंड कर पाएंगे। एंड जो सेंसर है सारे के सारे सेंसर आपको मिल जाएंगे, साथ में जायरोस्कोप नहीं मिलेंगे रियली, तो जायरोस्कोप इधर आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो माइक्रोमैक्स में ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है, जैसे इसको आपको मिलेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर, एंड जो आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, टाइप सी पोर्ट मिलेंगे, और जायरोस्कोप मिलता है जो आपको पोको सीसी में दूर दूर तक देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आप ज़रूर से माइक्रोमैक्स को परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। एंड एक चाइनीज एक नॉन चाइनीज, तो वही बहुत ही अच्छे इधर माइक्रोमैक्स प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छे फीचर्स दे रहा है, तो आप ज़रूर से माइक्रोमैक्स को ले सकते हो एंड पोको सीसी को ड्रॉप आउट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेंगे लिटरली। तो भाई वीडियो इतना ही था, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक शेयर करना जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो भाई चलते मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।